हम सब यहाँ ऐसा जानकारी है कि दशहरा के जो पर्व के सिलसिले में एकत्रित आए हैं। ये जो दशहरा का पर्व है ये भगवान राम द्वारा 14 वर्षों के वनवास के बाद लंका में जाकर रावण का रक्त स्नान करने के बाद माँ जानकी को जब वापस लौट कर आए तो उसे हमें स्मरण कराता है किस प्रकार बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय, किस प्रकार अमर्यादा के ऊपर मर्यादा की विजय, किस प्रकार एक छल कपट करने वाले संत रूप में एक व्यक्ति के को उस प्रकार त्रस्त करके और अच्छाई की विजय, इसको हमारे स्मरण कराता है। इतना ही नहीं, दशहरा जब हम देश भर के अंदर मनाते हैं तो कई स्थानों पर इस प्रकार का भी है कि माँ दुर्गा द्वारा देवी शक्ति द्वारा महिषासुर का वध कर करके दशहरा मनाना, यानी कि वो भी राक्षसी प्रवृत्ति के ऊपर दशहरा मनाने का एक कार्यक्रम रहता है। तो हमारे यहाँ जम्मू में भी कल दशहरा का उत्सव मनाया जाएगा परेड ग्राउंड के अंदर शाम को 4:30 बजे। सबको हमने निवेदन किया है कि सब लोग वहाँ पहुँच जाए, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। उसके बाद उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान जुगल किशोर जी सांसद इस क्षेत्र के जो हैं वो रहेंगे। उसके अतिरिक्त जम्मू के पूर्व मेयर राजेंद्र शर्मा जी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर देवांश यादव जी और अन्य डायरेक्टर टूरिज्म और इसके अतिरिक्त और बहुत सारे लोग भी प्रतिष्ठित नागरिक रहेंगे। श्री दीवान मंदिर नाटक समाज जो है सनातन धर्म का, वहाँ से रथ चलेगा, सारे शहर में से रथ होता हुआ फिर रघुनाथ मंदिर का रथ भी साथ होगा। वो सब लोग यहाँ परेड ग्राउंड के अंदर आएंगे, वहाँ पर उस रथ का भगवान राम का पूजन होगा, रामा राम दरबार का। फिर मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों द्वारा रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, इनके जो स्वरूप वहाँ बनाए होंगे उनको अग्नि दहन दिया जाएगा। ये सब सूर्यास्त से पहले हो जाएगा, इस प्रकार अपना ये कार्यक्रम रहने वाला है। इसके अतिरिक्त एक विषय में और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जाने अनजाने में जहाँ सोच समझ करके या किसी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत पता नहीं क्यों कहीं दक्षिण भारत के अंदर से वो यहाँ जो सत्ताधारी पार्टी है द्रावड़ मुनेत्र कजगम या कहीं बिहार के अंदर समाजवादी पार्टी के लोग वो सनातन धर्म का अपमान करने से चूकते नहीं। कर्नाटक के अंदर भी कुछ लोगों ने ऐसा कहा, देवी शक्ति का अपमान, हिंदुत्व का अपमान, इस प्रकार की घटनाएं बहुत निंदनीय हैं। अपने छोटे से जीवन में छोटे छोटे स्वार्थों के कारण उस महान सनातन धर्म का अपमान करना जिसका ना आदि ना अंत है, जिसके कोई वर्षों की गणना नहीं होती, जिसके युगों की गणना होती है, और मुझे विश्वास है कि यही सृष्टि पर आखिरी व्यक्ति रहा तो सनातनी ही होगा। इस प्रकार मेरा निवेदन है उन लोगों से कि अपने कुछ स्वार्थों को एक तरफ करके सत्य सनातन जीवन मूल्यों के आधार पर समाज जिए, सुख और शांति से जिए, सर्वे भवन्तु सुखता की भावना से जिए, मनुष्य मात्र के अंदर प्रेम की भावना से जिए। वो इस प्रकार इसके निवेदन है कि वो इन सब से दूर रहें। और दशहरा का उत्सव देश विदेश में सब लोग मना रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।